नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 19 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 20 और 21 करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं चैप्टर नंबर 20 और 21 में कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला प्रश्न है, जनता का बैंक कौन सा है, ठीक है, जनता का बैंक कौन सा है। आपके ऑप्शंस है व्यापारिक बैंक, सेकेंड है केंद्रीय बैंक, थर्ड है ए और बी दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जनता का बैंक यानी कि हम लोग जो पैसा निकालने जाते हैं या पैसा जमा करने जाते हैं वो कौन सा बैंक होता है। वो आपका कमर्शियल बैंक होता है यानी कि व्यापारिक बैंक होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय बैंक क्या होता है, तो केंद्रीय बैंक आपका जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो आपका क्या है, पूरे बैंकिंग सिस्टम का क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। इससे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका व्यापारिक बैंक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्न में से कौन से है, ठीक है, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्न से कौन से है। आपके ऑप्शन है जमा स्वीकार करना, सेकेंड है ऋण देना, थर्ड है साख नियंत्रण, और फोर्थ है आपका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, व्यापारिक बैंक आपका जमा पैसा जमा करता है, बिल्कुल सही बात है, ऋण भी देता है और साख निर्माण भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएँ कौन सी है, ठीक है, व्यापारिक बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएँ कौन सी है, यानी हम किस प्रकार से जमा कर सकते हैं, पैसा जमा करते हैं, वो कौन कौन सा टाइप होता है। तो आपके ऑप्शन है चालू जमा, सेकेंड है बचत जमा, थर्ड है सावधि जमा, और फोर्थ है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों, बैंक में चालू जमा भी होता है, ठीक है, बचत जमा भी होता है और सावधि जमा भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका भी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, ये सभी जमाएँ स्वीकार करता है हमारा बैंक, ओके। अगला आपका है, बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, ठीक है दोस्तों, बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। तो आपके ऑप्शन है ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ट्रस्टी का कार्य या लॉकर सुविधा देना। तो दोस्तों, इसमें से आपका जो बैंक का एजेंसी कार्य है वो आपका ट्रस्टी का कार्य है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपका है साख गुणक है, ठीक है, साख गुणक क्या है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है बॉन्ड अपॉन सी आर आर, सेकेंड है नगद इंटू वन अपॉन सी आर आर, थर्ड है नगद इंटू सी आर आर, और फोर है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, साख नियंत्रण को, सॉरी साख गुणों को हम लोग वन अपॉन सी आर आर से डिनोट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन अपॉन सी आर आर क्या है, साख गुणक है, क्लियर है। अगला है, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात, ठीक है, यानी कि साख मुद्रा का विस्तार कब होगा, जब नगद कोष अनुपात क्या होगा, इसमें क्या परिवर्तन आएगा। तो आपके ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, या ए और बी दोनों संभव है, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, साख मुद्रा का विस्तार तब होगा जब नगद कोष अनुपात क्या होगा, घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि साख नगद अनुपात मतलब क्या है कि बैंक के पास जो पैसा जमा रहता है, ठीक है, उसको हम साख नगद विस्तार बोलते हैं, साख मुद्रा बोलेंगे। तो जब बैंक क्या करेगा, पैसा जनता में देगा, ठीक है, जनता को लोन के रूप में उपलब्ध करवाएगा, तो बैंक के पास क्या होगा, पैसा घटेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब लोन देगा तो लोन पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, इससे क्या होगा, नगद को क्या होगा, साख मुद्रा में विस्तार होगा, यानी कि साख बैंक के पास क्या आएगा, और ज़्यादा पैसा आएगा लोन के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। तो नगद कोष अनुपात घटेगा तो क्या होगा, साख मुद्रा का विस्तार होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो यह सबको पता होगा कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है एनी टाइम मनी, सेकेंड है ऑल टाइम मनी, थर्ड है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और फोर्थ है आपका ए और बी दोनों। दोस्तों, हम जानते हैं एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, यह ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है दोस्तों, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है। तो आपके ऑप्शन है साख नियंत्रण करना, सेकेंड है अन्य बैंकों को ऋण देना, थर्ड है ग्राहकों की जमा स्वीकारना, और फोर्थ है इनमें से सभी। तो दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बोल रहा है व्यावसायिक बैंक का कार्य पूछा है, ठीक है, कमर्शियल बैंक का कार्य पूछा है। तो कमर्शियल बैंक का कार्य होता है ग्राहकों को जमा स्वीकारना, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साख नियंत्रण करना,
अन्य बैंकों को ऋण देना ये आपका केंद्रीय बैंक का काम है, न कि व्यावसायिक बैंक का काम है। ओके, इसलिए इनमें से सभी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ग्राहकों की जमा स्वीकारना। ओके, ये दोनों आपका केंद्रीय बैंक का काम है, ये आपका व्यावसायिक बैंक का काम है। नेक्स्ट आपका है किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। ठीक है, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, यानी पैसा हम किस विधि से निकाल सकते हैं। आपके ऑप्शन है आहरण पत्र द्वारा, सेकेंड है चेक द्वारा, थर्ड है एटीएम द्वारा, फोर्थ इनमें से सभी। तो दोस्तों आपका जो हम जानते हैं क्या करता है, विड्रॉल जो फॉर्म होता है, जब बैंक में जाते हुए पैसा निकालने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है, उसको हम आहरण पत्र बोलते हैं, और चेक से भी निकालते हैं और एटीएम से तो निकालते हैं। यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, सभी माध्यमों से हम बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है व्यावसायिक बैंक है। ठीक है, या व्यावसायिक बैंक क्या करता है, आपके ऑप्शन है नोट निर्गमन करते हैं, सेकेंड है ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं, थर्ड है ग्राहकों को ऋण देते हैं, और फोर्थ है पी और सी दोनों। तो फिर से यहाँ पे व्यावसायिक बैंक पूछा है। ठीक है, तो आपका है नोट निर्गमन करना, ये आपका व्यावसायिक बैंक का काम नहीं है, ये आपका केंद्रीय बैंक का काम है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, व्यावसायिक बैंक ग्राहकों की जमा स्वीकार करता है और ग्राहकों को ऋण भी देता है। बी और सी दोनों इसका आंसर होगा। नोट निर्गमन कौन करेगा, केंद्रीय बैंक करेगा। ठीक है, अगला है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो काफ़ी इजी प्रश्न है, हम सभी जानते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, अंतिम ऋणदाता भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे के हैं आपको केंद्रीय बैंक को ही कहते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक के निम्न से कौन से कार्य है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय बैंक के निम्न से कौन से कार्य है, आपके ऑप्शन है नोट निर्गमन का अधिकार, सेकेंड है सरकार का बैंकर, थर्ड है विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, और फोर्थ है उपयोग सभी। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे केंद्रीय बैंक पूछा है। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक नोट जारी करता है, सरकार का बैंकर भी है, और विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक भी है, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सारे काम केंद्रीय बैंक करता है। ओके, नेक्स्ट आपका है केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, तो आपके ऑप्शन है चलन मुद्रा, सेकेंड है साख मुद्रा, थर्ड है सिक्के, और फोर्थ है इनमें से सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा जो केंद्रीय बैंक है वो आपका करेंसी जारी करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्के आपके केंद्रीय बैंक जारी नहीं करते, ये आपके वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, साख मुद्रा होता नहीं है कुछ। ठीक है, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट चलन मुद्रा, जिसे हम करेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। तो करेंसी यानी कि नोट जारी करने का अधिकार है किसे, केंद्रीय बैंक के पास। ओके, अगला है साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्न से कौन से है। ठीक है दोस्तों, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्न से कौन से है, तो आपके ऑप्शन है कीमत स्थिरता स्थापित करना, सेकेंड है विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, थर्ड है उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि के उपाय करना, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, साख नियंत्रण के ये सारे उद्देश्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण का परिणामात्मक उपाय नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, निम्न से कौन सा साख नियंत्रण का परिणामात्मक उपाय नहीं है, तो आपके ऑप्शन है बैंक दर, सेकेंड है नैतिक दबाव, थर्ड है खुले बाजार की क्रियाएं, और फोर्थ है नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि साख नियंत्रण के दो उपाय होते हैं, एक आपका परिणामात्मक उपाय होता है और दूसरा आपका गुणात्मक उपाय होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पूछा है कि परिणामात्मक उपाय कौन सा नहीं है, यानी कि गुणात्मक उपाय के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा नैतिक दबाव आपका परिणामात्मक उपाय नहीं है, गुणात्मक उपाय है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बैंक दर, खुले बाजार क्रियाएं और नगद कोष अनुपात परिणामात्मक उपाय है। ओके, नेक्स्ट आपका है व्यापारिक बैंक को अपनी कुल आस्तियों के एक निश्चित अनुपात में जमा अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है, जिसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। व्यापारिक बैंक को अपनी कुल, यहाँ पे आस्तियों मतलब संपत्ति है। ठीक है, तो कुल आस्तियों के एक निश्चित अनुपात में जमा अपने पास
तरल रूप में रखना पड़ता है जिसे कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहता है जिसे बैंक अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है, ठीक है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है नगद कोष अनुपात, सेकेंड है संविधिक तरल अनुपात, थर्ड है ए और बी दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों व्यापारिक बैंक को अपने कुल संपत्तियों का एक निश्चित अनुपात तरल रूप में रखना पड़ता है, उसे हम सावधिक सरल तरल अनुपात यानी कि SLR बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ठीक है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 1947 में, सेकेंड है 1935 में, थर्ड है 1937 में, और फोर्थ है 1945 में। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई था 1935 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मौद्रिक नीति का संबंध है, ठीक है, मौद्रिक नीति का संबंध किससे है। तो आपके ऑप्शन है सार्वजनिक व्यय से, सेकेंड है करों से, थर्ड है सार्वजनिक ऋण से, और फोर्थ है खुले बाजार की क्रियाओं से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, खुले बाजार की क्रियाओं से मौद्रिक नीति का संबंध है, ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट हो जाएगा। अगला आपका है केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है, ठीक है, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। तो आपके ऑप्शन है बैंक दर के जरिए, सेकेंड है खुले बाजार की क्रियाओं के जरिए, थर्ड है CRR के जरिए, और फोर्थ इनमें से सभी। तो दोस्तों केंद्रीय बैंक बताएं अभी जस्ट कि केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण दो तरीक़ों से करती है, एक आपका परिणात्मक उपाय होता है और दूसरा गुणात्मक उपाय होता है। तो परिणात्मक उपाय में ये तीनों आते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों के माध्यम से साख नियंत्रण केंद्रीय बैंक करती है, ओके। अगला है निम्न से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है, ठीक है, निम्न से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है। तो आपके ऑप्शन है बैंक के नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, सेकेंड है उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, थर्ड है खुले बाजार का कार्यक्रम, और फोर्थ है बैंक दर में परिवर्तन। तो अभी जस्ट मैंने बताया था दो उपाय होते हैं, एक आपका परिणात्मक उपाय होता है, दूसरा गुणात्मक होता है। तो यहाँ गुणात्मक विधि पूछा है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उपभोक्ता साख नियंत्रण, ये आपका गुणात्मक विधि है, बाकी सब क्या है परिणात्मक विधि है, ओके। अगला है मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, सेकेंड है विदेशी विनिमय दर में स्थिरता, थर्ड है मूल्य स्थिरता, और फोर्थ है सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, मौद्रिक नीति के सारे उद्देश्य हैं, ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट होगा। अगला है मुद्रा पूर्ति के नियमन कौन करता है, ठीक है, मुद्रा पूर्ति के नियमन कौन करता है। आपके ऑप्शन है भारत सरकार, सेकेंड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है वाणिज्यिक बैंक, और फोर्थ है योजना आयोग। तो दोस्तों मुद्रा पूर्ति के नियमन या कंट्रोल कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय बैंक प्रणाली का संरक्षक कौन है, ठीक है, भारतीय बैंक प्रणाली का संरक्षक कौन है। आपके ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फोर्थ है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक भी है, बैंकों का बैंक है, अंतिम ऋणदाता भी है, भारत का केंद्रीय बैंक है, ये सारे क्या है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI है, ओके। अगला है केंद्रीय बैंक ऐसा करके ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है, ठीक है, केंद्रीय बैंक ऐसा करके ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। तो कैसा करके, आपके ऑप्शन है पुनर्खरीद दर, रेपो रेट यानी जिसे, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है पुनर्खरीद दर जिसे हम रेपो रेट कहते हैं बढ़ाकर, सेकेंड है प्रति पुनर्खरीद दर रिवर्स रेपो रेट जिसे हम कहते हैं बढ़ाकर, थर्ड है सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद कर, और फोर्थ है सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर क्या है ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है केंद्रीय बैंक, ओके। नेक्स्ट है वो लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में एक रुपये का नोट जारी करता है, ठीक है, भारत में एक रुपये का नोट जो होता है वो कौन जारी करता है। आपके ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, सेकेंड है
भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, थर्ड है भारतीय स्टेट बैंक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जितने भी नोट होते हैं वो सारे के सारे RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, लेकिन जो एक रुपये का जो नोट होता है वो आपका भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक रुपया का नोट छोड़कर सारे नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक जारी करता है, लेकिन एक रुपया का नोट आपका भारतीय सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके आज के प्रश्न, उम्मीद है आपने सारे प्रश्न कर लिए होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी फ़ायदा हो। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।